हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर आज हम ट्वेंटी फोर्थ जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस दें प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन अ ट्रेंड अनप्रेसिडेंटेड सेंस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तो नाइनटीन नाइन्टी फाइव के बाद पहली बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर जो पुअरेस्ट हाउस हैं उनकी इनकम में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है तो द एनुअल इनकम ऑफ द पुरेस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स कॉन्स्टेंटली राइजिंग सिंस नाइनटीन नाइनटी फाइव प्लन्च फिफ्टी थ्री परसेंट इन द पैंडमिक ईयर तो पैंडमिक ईयर में यहाँ पर जो हाउस होल्ड्स की इनकम है बॉटम ट्वेंटी परसेंट की पुअरेस्ट ट्वेंटी परसेंट की तो उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिली है और इन द सेम टाइम पीरियड अगर हम यहाँ पर रिचेस्ट ट्वेंटी परसेंट हाउस होल्ड्स देखें तो उनकी इनकम में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है थर्टी नाइन परसेंट यहाँ पर ग्रोथ है लेकिन अगर पुरेस्ट हाउस होल्ड्स में देखें तो यहाँ पर फिफ्टी थ्री परसेंट प्लन्च हुई है तो कोविड का एक इम्पैक्ट ये भी है कि इनक्वालिटीज और ज्यादा डिपेन हो गई हैं यहाँ पर हम सेकंड न्यूज डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड अ होलोग्राम स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट ऑन संडे एंड सेट द कंट्री इज़ करेक्टिंग मिस्टेक्स तो यहाँ पर हिस्ट्री में कुछ फ्रीडम फाइटर्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जितनी दी जानी चाहिए थी और उसी मिस्टेक को अब ठीक किया जा रहा है इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए कि इन्होंने ही फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म की थी इंडियन सॉइल के ऊपर जो कि यहाँ पर रेफरेंस किया जा रहा है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो कि यहाँ पर फॉर्म की गई थी सिंगापुर में नाइनटीन में बाद में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ने जूजडिक्शन भी हेल्ड किया आंदामान और निकोबर आइलैंड्स के ऊपर तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने यहाँ पर फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इंडियन सॉइल के ऊपर स्टैब्लिश की थी हेलिंग नेताजी इज रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल मोदी डिस्क्राइब हिम एज द पर्सन हु हुटैब्लिश द फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑन इंडियन सॉइल तो ये आपको पता होना चाहिए सिंगापुर में यहाँ परफॉर्म की थी यहाँ पर इंसाकॉक के बारे में बताया गया कि इंसाकॉक क्या है यह कंजोटियम है नेशनल लेबोरेटरीज की जो कि यहाँ पर वायरस के डिफरेंट वेरिएंट्स को ट्रैक करती है अब यहाँ पर पहली बार एक्नॉलेज किया गया है जो यहाँ पर कोविड है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है कोविड का तो हो तो बहुत पहले से रहा था लेकिन बेसिकली एक्नॉलेज अभी किया गया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये है जो वायरस है वो यहाँ पर कम्युनिटी में प्रेजेंट है तो ऐसे में यह पता करना कि कौन इंसान किसकी वजह से इन्फेक्ट हो रहा है वो पॉसिबल नहीं है इट ओनली मीन्स दैट द एपिडेमिकज सो वाइड स्प्रेड दैट इट इज नाउट डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू डिटर्माइन हु इज पासिंग ऑन द इन्फेक्शन टू हूम इसका मतलब यह है जो वायरस है उसकी प्रेजेंस अब कम्युनिटी में हो चुकी है आगे चलते हैं यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे भंडारी कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है गोवा की कम्युनिटी भंडारी कम्युनिटी जिसका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन देखा जाए तो टॉली टैपिंग और डिस्टेनिंग का था और ये ओबीसी कैटेगरी में आती है गोवा में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं तो हम देखेंगे नहीं यहाँ पर कुछ गुजरात इंस्टीट्यूट सिक्किम ऑफिशियल अमंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्डीज़ अब यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड किसको दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार तो इस साल देखा जाए तो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसके अलावा इंडिविजुअल कैटेगरी में यहाँ पर प्रोफेसर विनोद शर्मा तो इनको यहाँ पर मिला है ये इस बार का पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार तो ये दो नाम आप याद रखना जी विनर थी यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में तो बेसिकली यहाँ पर दो कैटेगरी होती।, होती है एक इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी होती है एक इंडिविजुअल की कैटेगरी होती है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में मिला है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को और यहाँ पर इंडिविजुअल की कैटेगरी में मिला है विनोद शर्मा को अगर दो का देखें तो दो में यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में मिला है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी और यहाँ पर इंडिविजुअल की कैटेगरी में देखें तो मिला है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को बस इससे ज़्यादा तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिले तो यहाँ पर इस साल चार साल के हैं लेकिन हमें सिर्फ इतना ही याद रखना तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड अवार्ड्स फॉर दर्स ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू प्रीवियस ईयर्स अनाउंस तो किए गए थे लेकिन नहीं दिया गया था क्योंकि कोविड पैंडमिक था लेकिन इस बार के नाम आपको पता होने चाहिए आगे हम चलते हैं दा इंडिया शेडो ये बेसिकली आर्टिकल इस बारे में है जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उससे ग्राउंड लेवल पर कितना चेंज आने वाला है पाकिस्तान हैज़ रिलीज द पब्लिक वर्जन ऑफ वॉट इज बिल्ड एज इट्स फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की कोर में जो है वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी इट स्टिपलेट्स इंटर आलिया इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज़ द कोर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर फंड्स होने चाहिए इसीलिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन डेवल इसी में कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एलिफेंट रूम में देखें तो यही है जो पाकिस्तान है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है तो एलिफेंट इन द रूम इज़ पाकिस्तान एडवर्सेरियल पॉस्चर टुवर्ड्स इट्स मच बिगर एंड बेटर एंड आउट नेबर इंडिया तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ट्रेड भी पूरी तरीके से बंद है तो द कंट्री वाइल काउंटिंग इंक्रीजिंगली ऑन इट्स न्यूक्लियर आर्सिनल अगर यहाँ पर जो चाइना वो पाकिस्तान है वो यहाँ पर बेसिकली कोशिश करता है जो उसकी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी हो वो इंडिया की जैसी हो ऐसे में वो यहाँ पर चाइना से वेपन्स लेता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने यहाँ पर एस फोर हंड्रेड लिया तो यहाँ पर जो चाइना है वो सोच रहा है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो यहाँ पर हम पाकिस्तान को दे देते दे, हैं लीगल तरीके से इलीगल तरीके से लेकिन वो यहाँ पर पाकिस्तान को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी देने की सोच रहा है तो ऐसे में यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो हमेशा चाहता है कि जो उसकी यहाँ पर कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी रहे वो इंडिया के बराबर रहे तो द कंट्री वर्ल्ड काउंटिंग इंक्रीजिंगली ऑन इट्स न्यूक्लियर आर्सिनल फॉर इट्स डिफेंस रिटेन इट्स ऑब्सेशन टू कीप अप विद इंडियाज कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान की इकॉनमी वन टेंथ भी नहीं है इंडिया के कम्पेरिजन में लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि इंडिया के बराबर ही उसके पास यहाँ पर कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी रहे तो प्रॉब्लम यही है द एनएसपी मैंशंस द ग्रोइंग कन्वेंशनल फोर्स डिफरेंशियल इन द रीजन यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वो ऐसी बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में जो पावर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान ग्रोथ रेट रिमेंस वेरी लो तो यहाँ पर पाकिस्तान का ग्रोथ रेट देखें तो बहुत ज़्यादा कम रहा है डिसेंट ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है ज़्यादातर यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो डिपेंडेंट है एक्सटर्नल एड के ऊपर द एन एस पी एक्सप्रेसिज़ज़ज़ज़ द वे टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इंडिया तो यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वो बात करती है कि इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे करने हैं लेकिन उसमें एक कंडीशन भी लगाई जाती है कि मेन रिजोल्यूशन यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसका रिजोल्यूशन हो सके और उसके बाद हम इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करेंगे जब से यहाँ पर आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है रिवोक किया गया उसके बाद से ये पाकिस्तान की डिमांड है कि आर्टिकल 370 को वापस लाया जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है तो ऐसे में कभी भी जम्मू एंड कश्मीर का रिजोल्यूशन हो नहीं पाएगा और इसकी वजह से जो इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि पाकिस्तान की यह डिमांड है तो पाकिस्तान इज़ प्रून डाउन इट्स इनिशियल डिमांड ऑफ रिवर्सिंग इंडियाज ऑगस्ट फाइव ट्वेंटी मूव टू रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट हुड तो यहाँ पर पाकिस्तान की ये भी डिमांड है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट हुड मिलना चाहिए तो जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट हुड मिलेगा लेकिन वो पाकिस्तान की डिमांड की वजह से नहीं मिलेगा अगर सिचुएशन ऐसी होगी नॉर्मल सी आ जाएगी तो अपने आप यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट हुड दे दिया जाएगा तो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट हुड मेक कम इन ड्यू कोर्ट बट नो गवर्नमेंट इन इंडिया वुड लाइक इट टू भी सीन एज अ रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान डिमांड अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने जो बोला है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी उसके सेंटर पर रहने वाली है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर वो कोर होने वाला है लेकिन पाकिस्तान ऑन द ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए कुछ कर नहीं रहा है एमएफएन स्टेटस को इंडिया ने विद्रॉ कर लिया था पुलवामा अटैक के बाद अगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट देखें इंडिया को तो सिर्फ दो परसेंट है पाकिस्तान के टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के कंपेरिजन में तो यही फैक्टर्स हैं जो कि रूल आउट करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बाद भी कोई ड्रामेटिक रिजल्ट ऑन द ग्राउंड हमें दिखने वाला है तो बेसिकली जैसे रिलेशन चल रहे हैं वैसे ही चलने वाले हैं भले ही यहाँ पर पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आ जाए और उसका कहना हो कि वो यहाँ पर पीस स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा इंडिया के साथ लेकिन ऑन द ग्राउंड हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है डस पाकिस्तान वॉन्ट अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन टू कश्मीर तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कश्मीर के सल्यूशन को बार बार यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश की गई लेकिन अभी तक उसका कोई भी रिजोल्यूशन नहीं निकला फिजिकल अर्थमेटिक अब यहाँ पर बात की गई थी लास्ट बजट में रोड मैप रखा गया था कि फ़िजिकल कॉन्सोडेशन करना है और फिजिकल डेफिसिट को यहाँ पर 9.5 परसेंट जो जीडीपी का हो रखा उससे कम करके यहाँ पर 6.8 परसेंट तक लाने की कोशिश की जाएगी और 2025-26 तक इसको 4.5 परसेंट तक लाने की कोशिश की जाएगी तो इस बार जब बजट रिलीज़ होगा तो उसके बाद हम पूरा डेटा स्टडी कर लेंगे कि कितना फिजकल डेफिसिट रहा है आने आ कितना टारगेट होने वाला है लेकिन हो सकता है इस बार जो यहाँ पर सिक्स पॉइंट यहाँ पर सिक्स पॉइंट एट परसेंट का टारगेट रखा था वो अचीव नहीं हो पाएगा क्योंकि डिस इन्वेस्टमेंट वाला टारगेट भी यहाँ पर नहीं अचीव हो पाए वो भी एक्सपेक्टेशन से कुछ कमी रहेगी और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर आउटलेट्स भी बढ़े हैं तो ऐसे में यहाँ पर सिक्स पॉइंट एट परसेंट का तो फिजिकल डेफिसिट नहीं हो पाएगा दो हज़ार इक्कीस बाईस में आगे हम चलते हैं अ प्रेजेंट डायरी फ्रॉम तिहार एनसीआरबी सी की डेटा से ये पता चलता है जो सेवेंटी सिक्स परसेंट प्रिजनेस हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं जिसमें यहाँ पर ज्यादातर आपको मिल जाएंगे दलित कैटेगरी से आदिवासी मुस्लिम्स और ज्यादातर माइनॉरिटी कम्युनिटीज तो बेसिकली यहाँ पर एनसीआरबी का डेटा कोट किया गया है कि ज़्यादातर यहाँ पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और उसमें भी ओवर ओवर रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा उनके पॉपुलेशन के कंपेरिजन में दलित्स का आदिवासी का मुस्लिम्स का और बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का अब यहाँ पर कोविड पैंडमिक में सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी कि यहाँ पर जो प्रेज प्रेजेंस है उनका डी कंजेशन होना चाहिए अब प्रेजेंस का डी कंजेशन के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी अब हाई पावर्ड कमिटी तो बनाई गई थी लेकिन हाई पावर्ड कमेटी ने यहाँ पर जो कंडीशंस रखी थी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को बेल पर रिलीज़ करने की तो वो कंडीशंस ये थी कि ये डिसाइड होगा कि उनके ऊपर ऑफेंस क्या है किस ऑफेंस के अंदर उनको चार्ज किया गया उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा क्या उनको यहाँ पर डी कंजेशन के चलते उनको बाहर निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफेंस को नहीं देखना चाहिए था बल्कि ये देखना चाहिए था कि वो इंसान कितना ज़्यादा वल्नरेबल है उसको यहाँ पर कोविड होने की कितनी ज़्यादा चांसेज हैं कि कहीं उसको कोई को तो नहीं है लेकिन हाई पावर कमेटी ने इन फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा तो हाउ द क्राइटेरिया डिसाइडेड बाई द एची ऑफ डिफरेंट स्टेट्स फॉर इंटेनम रिलीज ऑफ़ प्रिजनर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स यहाँ पर जो कंडीशंस रखी गई वो ये रखेगी कि ऑफेंस क्या है कौन से ऑफेंस के अंदर अंडर ट्रायल में है तो ऐसे में ऑथर ने बोला कि जिनके ऊपर यहाँ पर ऑफेंस होगा यू ए पी का या एन का तो उसको यहाँ पर बेल नहीं मिल सकती थी तो यही प्रॉब्लम थी आगे हम देखते हैं अन ऑफ़ डूइंग बिजनेस तो यहाँ पर बात की गई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की जिसमें जॉइंट कमेटी ऑफ़ पार्लियामेंट ने कुछ रिकमेंडेशनस दिए थे कि यहाँ पर कौन से चेंजेस होने चाहिए अब अकॉर्डिंग टू द ऑथर बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी आर्किटेक्चर लाया जा रहा है इस बिल के अंदर और इतना ज़्यादा रेगुलेटरी आर्किटेक्चर तो हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हैम्पर होगा उतनी यहाँ पर प्राइवेसी इंश्योर नहीं हो रही जितना यहाँ पर रेगुलेटरी आर्किटेक्चर लाया जा रहा है द बिल प्रिंसिपली सिक्स टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ आर डेटा एंड टू फोस्टर अ प्राइवेसी प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इन द कंट्री लेकिन अगर मैनी रिस्पेक्ट्स में हम देखें तो बहुत ज्यादा रेगुलेट्री आर्टीटेचर है उसके कंपेरिजन में अगर हम देखें कि प्राइवेसी कितनी इंश्योर हो रही है तो बेसिकली प्राइवेसी उसके कंपेरिजन में नहीं इश्योर हो पा रही है द प्राइम मिनिस्टर हैज रिसली सेट डे इनोवेशन एस्पायरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी तो यह सब बहुत जरूरी है अगर हमें यहाँ पर फाइव ट्रिलियन अकोनॉमी बनानी है तो फाइव ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लिए इनोवेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हमें टेक्नॉलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफेक्चरिंग को तीन सौ बिलियन डॉलर तक लेकर जाना 2025 तक लेकिन इस बिल के बाद अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो बिजनेसेस के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेटरी आर्किटेक्चर हो जाएगा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की गई जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्रिशनरी रिमिट दे दी गई है कि वो यहाँ पर रेगुलेशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं बिल के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस है कि यहाँ पर जो डेटा है वो ओवरसीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अगर आपको ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर आपको डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके अलावा जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेक्सीबल है जो बिल है वो इम्पोज करता है रेस्ट्रिक्शन की आप यहाँ पर सेंसिटिव पर्सनल इंफॉमेशन डेटा को ओवरसीज ट्रांसफर नहीं कर सकते हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको यहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी से इसके अलावा जो क्रिटिकल डेटा है वो डिफाइन अथॉरिटी करेगी कि क्या क्रिटिकल डेटा होने वाला है जिसका आप ट्रांसफर नहीं कर सकते और कोई यहाँ पर कंडीशंस नहीं है कोई यहाँ पर गाइडलाइंस नहीं है कि कौन सा डेटा यहाँ पर क्रिटिकल डेटा होगा बिल आल्सो रिक्वेस्ट लार्ज प्लेस टू हैव डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स फिजिकली लोकेटेड तो यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को बिजनेसिस को यहाँ पर अपॉइंट करना पड़ेगा तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी कंप्लाइंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसकी वजह से जो डिलेज और डिस्रप्शन हमें देखने में मिल सकते हैं सप्लाई चेन्स में तो जहाँ पर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग को हमें तीन बिलियन डॉलर तक लेकर जाना 2025 तक और ऐसे में हम दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं बहुत ज्यादा ओवर रेगुले, रेगुलेटरी आर्किटेक्चर को लेकर आ रहे हैं आगे चलते हैं ये हम डिस्कस नहीं करेंगे रेनिंग इन द सब्सिडी बिल द अपील ऑफ द हाइम अबाइड विद मी तो इस बार यहाँ पर जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगा 1950 से अब तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर बार प्ले किया जाता था अबाइड विद मी लेकिन इस साल नहीं प्ले किया जाएगा अब इसको किसने पेन किया वो हम देख लेते हैं तो अबाइड विद मी पेंड इन द प्री मॉडर्न वर्ड बाई हेनरी फ्रांसिस लाइट तो यहाँ पर हैंनरी फ्रांसिस लाइट ने इसको पेन किया है और इसको ट्यून पर सेट किया है विलियम हैनरी मॉन्क ने तो विलियम हैनरी मॉन्क ने इसको यहाँ पर ट्यून पर सेट किया बस आपको इतना पता होना चाहिए और इंडिया की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में नाइनटीन फिफ्टी से इसको यहाँ पर प्ले किया जाता है द कमेंट्स इन इंडिया दैट लेट टू रिमूवल ऑफ जर्मनीज नेवी चीफ अब यहाँ पर जर्मनी के नेवी चीफ ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए इंडिया में आकर ऑफिशियल कैपेसिटी में जो कि उनको नहीं देने चाहिए थे अब क्या उनके स्टेटमेंट्स थे वाइस एडमिरल शॉन बैक हु वॉज स्पीकिंग एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द मनोहर पारेकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ तो वहाँ पर उनका ये कहना था जो यूक्रेन के आसपास यहाँ पर रशियन ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं वो इसीलिए कर रखे हैं क्योंकि यहाँ पर व्लादिमिर पुतिन को रिस्पेक्ट चाहिए कि वो भी एक इक्वल पावर है और उनको यहाँ पर वेस्टर्न नेशन यूरोपियन नेशंस और अमेरिका के बराबर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए साथ ही उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर जो क्रीमिया पेनंसुला को एनेक्स कर लिया गया है वो यहाँ पर वापस से यूक्रेन को नहीं मिलने वाला है द क्रीमियन पेनिसुला इज गॉन इट्स नेवर कमिंग बैक दिस इज अ फैक्ट इसके बाद उन्होंने बोला जो रशिया है वो उसको ऐसा नहीं कि उसको यूक्रेन का स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड चाहिए बस यहाँ पर व्लामिदिर पुतिन को रिस्पेक्ट चाहिए तो वो अगर यहाँ पर यूएसए और वेस्टर्न नेशंस देने को तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर रशिया इन्वेजन नहीं करेगा नो दिस इज़ नॉ सन्स पुतन इज प्रोबेबली पुटिंग प्रेशर बिकॉज ही कैन डू इट एंड ही नोज ही स्प्लिट्स ही स्प्लिट द यूरोपियन यूनियन अब यहाँ पर जो जर्मनी है उसने यहाँ पर मना कर दिया यूक्रेन को वेपन सप्लाई करने के लिए अब जर्मनी ऐसा इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जर्मनी को यहाँ पर नेचुरल गैस चाहिए होती है फ्रॉम द रशिया तो बेसिकली यही इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए अपने पर्सनल कैपेसिटी में जिसके बाद इनको यहाँ पर स्टेप डाउन करना पड़ा तो वेल यूके एंड यू एस यूक्रेन जर्मनी हैज सो फार नॉट डन सो क्योंकि यहाँ पर जो जर्मनी है उसको यहाँ पर नेचुरल गैस चाहिए होता है रशिया से इसीलिए वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले रहा है जर्मनी टू हैज अर्ज यूरोप एंड द यूएस टू थिंक केयरफुली वेल कंसिडरिंग सेंक्शंस अगेंस्ट रशिया फॉर एनी अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन इन अ क्राइसिस पिटिंग बर्लिनस मेन गैस सप्लाई तो यहाँ पर बर्लिन का मेन गैस सप्लाई एंड नेचुरल गैस यहाँ पर रशिया से ही आती है इसीलिए यहाँ पर जर्मनी कोई भी स्टेप बहुत सोच समझ कर ले रहा है अब यहाँ पर चाइना जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को अपने एकदम कोर पर रखता है कि नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पर जो चाइना के टॉप फॉरेन पॉलिटिकल एडवाइजर उनका यही कहना है कि इसकी वजह से हो सकता है कि जैसे यहाँ पर सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया वैसे ही यहाँ पर चाइना का भी कोलैप्स हो जाए तो ब्लाइंड ऑफ एब्सल्यूट नेशनल सिक्योरिटी कपल्ड विद एक्सेसिव डिफेंस स्पेंडिंग कैन लीड टू द सोवियत स्टाइल कोलैप्स बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हम कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे बाइंड एक्सपोर्ट्स बट अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस वो इसीलिए कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े लेकिन साथ ही में हमारे इम्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो एक्सपोर्ट्स आर राइज इन नियरली फिफ्टी परसेंट ईयर ऑन ईयर इन द फर्स्ट नाइन मंथ्स ऑफ द फिसक टू पुट द कंट्री ऑन ट्रैक टू हिट अ टारगेट ऑफ तो हमारा टारगेट है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हमारे फोर हंड्रेड बिलियन डॉलर्स के होने चाहिए लेकिन इसी पीरियड में हमारा बढ़ रहा है उसका रीज़न ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादातर कंट्रीज से अभी तक हो नहीं पाए हैं तो ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हमारे इम्पोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स ऑफ टू ट्रेडिशनल सेक्टर्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी हैव बीन की कॉन्ट्रीब्यूटेस टू एक्सपोर्ट अब यहाँ पर अगर आप किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हो तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप का कि अगर वो अपनी मार्केट आपके लिए ओपन करेंगे तो आपको भी अपनी मार्केट उनके लिए ओपन करनी पड़ेगी तो एक्सपर्ट्स हैव एस्टिमेटेड दैट करंट अकाउंट डिफिसट फॉर द फिस्कल विल बी अबाउट फोर्टी टू फोर्टी फाइव बिलियन डॉलर इंडिया जो है यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहता है यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इंडस्ट्री शुड बी प्रिपेयर टू गिव मार्केट एक्सेस टू ट्रेडिंग पार्टनर्स इफ इट वॉन्ट्स टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रेटर मार्केट एक्सेस तो अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा मार्केट एक्सेस चाहिए तो हमें भी अपनी मार्केट एक्सेस देनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर गिव एंड टेक का पूरा रिलेशनशिप होता है आज की न्यूज पेपर में इतना ही आई होप आपको आज न्यूज पेपर समझ आया। लाइक द वीडियो देन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव डे